हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। वेलकम डिवाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ ऐसी टेक्निक जैसे कि आप जो है मैनिफेस्ट बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैनिफेस्ट कैसे करना है? सबसे पहली बात कि जब भी आप मैनिफेस्ट करें तो आपने जो है मेडिटेशन करना है। जैसे कि आपने ओम का उच्चारण जो है 108 बार जब करना है, तो पहले सबसे पहले जो आपने ओम का मेडिटेशन नहीं करते तो ओम का मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना है। या फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते तो काफ़ी टाइम तक आपने जो है मेडिटेशन के जप, जैसे सुबह, दोपहर, शाम के टाइम पे जो है आपने जप करना चालू कर देना है। इन चीज़ों से क्या होगा कि जब भी आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या फिर आप ओम का भी मेडिटेशन करते हैं तो इन चीज़ों से क्या होगा कि आप में स्टेबिलिटी आएंगी। जब स्टेबिलिटी आती है ना, तो स्टेबिलिटी आने के बाद अपनी जो भी विश होती है, अपनी जो भी चीज़ होती है या फिर आप जो भी ड्रीम सोचते हैं अपने लाइफ में कि जो भी चीज़ पाना चाहते हैं या फिर अपना प्यार या फिर अपनी लाइफ को लेके या फिर अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेके जो है बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने बिजनेस को भी लेके, अपनी जॉब को भी लेके, अपने करियर को लेके सारी चीज़ें मैनिफेस्ट क्विक तरीके से कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो है ना आपकी 21 दिन तक जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है जब आप स्टेबिलिटी से मैनिफेस्ट चीज़ें करना चालू कर देते हो। तो आपने चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपने ओम का मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का जाप जो है आपने 108 बार कर लेना है या आपने डेली रूटीन में कर लेना है आपकी खुद की स्टेबिलिटी के लिए। अपने माइंड में कुछ भी नेगेटिविटी थॉट्स नहीं आने देना है या फिर डेस्टिनी को लेके कुछ भी चीज़ बुरी नहीं बोलनी है। जब आप ये चीज़ करोगे ना तो बहुत सारे लाइफ में आपके चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे चीज़ें जो है ना आपकी मैनिफेस्ट होना जो है स्टार्ट हो जाएगी और आपकी विश, अपने भी जो है अपने मन के मुताबिक जो भी आपका लकी नंबर हो, 6, 9, 8 या फिर 10, जो भी चीज़ें आप जिन जो भी नंबर आपको पसंद आते हैं। जैसे ऐसे नहीं कि आपको एक नंबर पसंद है तो आप एक ही चीज़ एक ही नंबर से जो है आप लिखोगे। तो जैसे कि 5 के ऊपर वाले जो नंबर, जैसे कि 5 के बाद वाले जो नंबर 6, 7, 8, 10, 11, तो आपका जो भी लकी नंबर है, जो भी लकी नंबर है जो आपको ज़्यादा करके पसंद आता है, तो उस नंबर के रिकॉर्डिंग आपने जो है डेली उतने टाइम भी अपनी चीज़ जो है एक बुक लेके जो अपनी चीज़ जो है आपने लिख लेनी, आपके ड्रीम्स कंप्लीट जो है लिख लेने। साथ ही साथ जो आप ड्रीम्स, आपके जो भी ड्रीम्स है, जैसे कि आपको आपका घर लेना है तो अपनी अपनी घर की फ़ोटो जो है सबसे पहले जो है अपने बुक पे लगा देनी है, या फिर आपको जॉब करना है या फिर बिजनेस करना है तो वो चीज़ें लगानी है। आप जो भी चीज़ चाहते हैं या फिर अपने लाइफ को, लव लाइफ को लेके जो आप सोच रहे हो तो दोनों पार्टनर की जो फोटो आती है, जैसे कि एंजल्स पार्टनर की फोटो आती है तो वो आप लगा सकते हैं। लवर के लिए, लवर वाला जो फोटो आती है वो लगा सकते हैं। अब जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करके वो चीज़ से जो है ना सबसे पहली फ़ोटो जो अपने बुक पे लगा देनी, फिर बाद में जो है ना आपको जो भी नंबर पसंद आएगा उतने नंबर तक जो है आपने चीज़ें लिख लेनी है। वो चीज़ें लिखने के बाद ये डेली प्रोसेस जो है ना अपने 21 दिन या फिर 28 दिन या फिर आपने जो है 42 डेज जो है ये कंप्लीट लिख लेनी है। लिखते समय कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना या फिर ये नहीं सोचना कि यार मेरी विश कंप्लीट क्यों नहीं हुई। अगर ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सी भी क्लिक करते हो ना माइंड में तो आपकी चीज़ जो है मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो इन चीज़ों को लेके आपको बहुत सारा जो है प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो मैंने क्या कहा, जब भी आप जब मैनिफेस्ट चीज़ें करते हो तो टोटल तरीके से ब्लैंक हो जाना है, न्यूट्रल रहना है। जैसे आप न्यूट्रल रहते हैं कि किसी की भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो नहीं, मुझे उसमें कुछ बोलना नहीं है, तो ऐसे ही न्यूट्रल होके जो है अपनी चीज़ों को जो है आपने मैनिफेस्ट करना है, आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करना है। तो ये चीज़ें जो आप अगर आप करते हैं ना तो आपके पूरे थॉट्स एंड आपके पूरे माइंड्स के जो भी थॉट्स के क्रिएट की हुई चीज़ें होती है ना ये कंप्लीट होना जो है आपको स्टार्ट कर देती है। और जब ये स्टार्ट हो जाती है ना तो आपके ड्रीम्स को कंप्लीट होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये ड्रीम जो है ना आपका वहाँ के वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट होने की स्थिति जो आपकी स्टार्ट हो जाती है। कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ती है कुछ उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। तो वो चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी सारी विश जो है कंप्लीट होना जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और ये चीज़ आप ज़रूर करके देखिए, आपकी चीज़ जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो जो है आपको ज़रूर मिल जाएंगी, आप जो भी अपने दिल से सच्चे मन से चाहे। तो ये चीज़ें जो है आप ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।